वेलकम बैक टू माई न्यू चैनल उषा शाह व्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो अभी हम लोग आधा रेडी हो गए हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं दशहरा फंक्शन के लिए, रावण दहन के लिए हम लोग बैकुंठपुर जा रहे हैं। तो मैं अभी आधा रेडी हुई हूँ, अपना आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसा लुक होने वाला है हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ करने के बाद। एंड देखते हैं क्या होता है, मेकअप कैसा होता है, क्योंकि लिपस्टिक बहुत डार्क लग रही है ना। आई थिंक मैं रिमूव कर दूँगी, क्योंकि बहुत डार्क लग रहा है। वो मैं हेयर स्टाइल करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, तो मेरी बहन लोग सब बाहर में है, सब आ जाते हैं, देखते हैं हम लोग सब लोग मेकअप कर लेते हैं, उसके बाद में मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओके, एंड अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर नए होंगे तो, एंड मेरी फैमिली बन जाओ जल्दी से। सो थोड़ी देर में मिलते हैं रेडी होने के बाद। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हम लोग रेडी हो गए हैं, चलो ना सो के खाते हैं। इसको देखिए वो फ़ोन में लगी है कुत्ती, एंड देखते हैं हम लोग को ऑटो मिलता है कि नहीं, क्योंकि 9 बज रहे हैं। ठीक है, अब तो हम लोग निकल रहे हैं एंड अब मैं आपको डायरेक्ट वहाँ मिलूँगी। अंधेरा बहुत ज़्यादा है और वो फ़ोन पे बात कर रही है तो मैं फ्लैश लाइट नहीं मरवा सकती इससे बोल के। तो देखते हैं ऑटो कितने टाइम मिलती है। ओके, सो अंधेरे में हम लोग ऑटो के लिए खड़े हैं, देखो ऑटो देख रहे हैं, पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो यहाँ के इफ्ता विश्वकर्मा जी आ रही हैं तो हम लोग जा रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं एंड फुल एंजॉय करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ब्लॉग में बने रहना, मिलते हैं वहाँ पे आप लोगों को। ओके, पहुँच गए हैं, दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, अभी अंधेरा दिख रहा है, आगे जाके दिखाऊंगी। ठीक है, तो हम लोग पहुँच गए, हम लोग का ऑटो मिल गया था। आप अभी बज रहे हैं 9:30, देखते हैं वहाँ पे का माहौल, दिखाती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। ओके, उधर से चले क्या, सुमन को कॉल करके पूछ रहे हैं। यहाँ पे का भीड़ देखो, मतलब काफ़ी भीड़ है, यहाँ पे मेला भी लगा है, सुपर इंडिया व्यापार मेला करके है। एंड अभी मैं आपको ग्राउंड दिखाऊंगी जहाँ पे रावण जी बने हुए हैं। ठीक है, कितने फीट के हैं, क्या है, सब कुछ आपको आगे देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ देखना ज़रूर वीडियो को। एंड ये क्राउड दिखा रही हूँ अभी तो मैं आपको बैक कैमरा करके। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। क्या ही बताऊँ, देख सकते हो गाइस, मेन गेट एंट्री देखो कितना भीड़ है, बाहर में गेट के भी अंदर है। फोन करना, फोन फोन करना, फोन। ओ ओ ओ, क्या भीड़ है, ऑसम। फोन करना, उस साइड चलते हैं, उस साइड, यहाँ पे नहीं करते, फोन है। एंड क्राउड तो देख ही रहे, बहुत ज़्यादा क्राउड है, मतलब ये फर्स्ट टाइम क्राउड है इस टाइप का, वरना इतना ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसलिए क्राउड है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था, इशिता विश्वकर्मा आई है ना, उनको देखने के लिए आधे से ज़्यादा भीड़ सिर्फ उनको देखने के लिए। वाह, राजा बनाना एक आठ
रावण, ये रावण है और उनके ये छोटे भाई और एक ये छोटे भाई, जहाँ पे आर्टिस्टबाजी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है, जिसमें आपको आएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, देखते रहिएगा और ग्राउंड क्राउड तो देखेंगे सब कितनी भीड़ है, इसके साथ साथ बहुत ही आनंदमय लोगों का ना यहाँ पे इतनी भीड़ शायद ही आपने देखी होगी कभी। साथ में देखेंगे हमारे सारे गांव का लिटिल चैंप की विनर ईशिता विश्वकर्मा और इंडियन आइडल की रनर अप ईशिता विश्वकर्मा को आप थोड़ी ही देर में देखेंगे, बस इस आतिशबाजी के बाद तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चांद का खूबसूरत नज़ारा दिखाओ, चांद का। सो गाइस, सभी यहाँ पे रावण जी को देखने आए हैं, जबकि सबके अंदर एक एक रावण है। अभी थोड़ी देर बाद रावण जाने का बहुत टाइम लग गया यार, क्या बताऊं, क्राउड ना हद से ज्यादा है, फर्स्ट टाइम ऐसा क्राउड हुआ है। भाई और भाई वार श्रीराम वहां पहुंच चुके हैं।
कैसे पकड़ना है। चलो राज देख लो, वो देखा ना पूरा। तो गाइस रावण दहन हो गया, सब कुछ हो गया, फिनिश हो गया, अब मैं घर जा रही हूँ। फाइनली अब हम लोग घर जा रहे हैं, 12 बज गए हैं, बहुत लेट हो गए हैं। मेरी दोनों बहनों को हम लोग पहले भेज दिए, एंड मैं और मेरा भाई दोनों यहाँ खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, वो आएगा फिर उसके बाद हम दोनों भी जाएंगे। एंड देखते हैं घर जाके, वैसे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं रहेगा क्योंकि घर जाके क्या ही करेंगे, ठीक है। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा माय चैनल। तो यार चलिए मैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लव यू, बाय, गुड नाइट, बाय।